नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। होली आने वाली है तो चटपटा मटरी हो, नमकीन हो, हर चीज़ चटपटी और मीठी सब कॉम्बिनेशन में अच्छी लगती है। तो बदलते मौसम में हम एक अच्छी सी चटपटी सी कुरकुरी मटरी बनाएंगे, जिसे हम अचारी मटरी के नाम से जानते हैं। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हेल्दी तरीके से आज हम इसको बनाएंगे। तो आइए झटपट से ये अचारी मटरी बनाना सीखें। एक पैन में हम एक टेबल स्पून सरसों का तेल गरम करेंगे, क्योंकि अचारी मटरी बना रहे हैं तो अचार का जो टेस्ट है पूरा सरसों के अंदर ही आने वाला है। तो इस तेल को हम अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम 3 टेबल स्पून बेसन सेक लेंगे कम आंच पर, अच्छे से कलर चेंज होने तक और खुशबू आने तक हम इसको अच्छे से सेकेंगे। सीखे हुए बेसन की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। बेसन जो है हमारा इस मटरी में बाइंडिंग का काम करेगा, तो इसको मैं सेक लेती हूँ। तो बेसन हमारा सिक गया है और कलर भी देखिए अच्छा सा कलर आ गया। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। फिर से पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे सरसों का। तेल जैसे हम अचार में अच्छे से गरम करते हैं ऐसे ही इतना तेज हमें करना है गरम। और अब इसमें हम 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। मसाला जो है आप जिस हिसाब से बना रहे हैं मटरी उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में लेंगे तो स्टफिंग जो है अच्छी होगी, आपकी स्टफिंग कम नहीं पड़ेगी। तो जीरा डाल दिया हमने और अब इसमें हम 1 टीस्पून ही सौंफ का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमें कोई अचार को गलाना नहीं है, इंस्टेंट चाहिए। तो अगर हम साबुत सौंफ लेंगे तो फिर वो मुँह में आएगी। और अभी हमें सिर्फ स्टफिंग के लिए टेस्ट बनाना है। और इसमें हम 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून ही हम हींग पाउडर डाल देंगे और मेथी दाना पाउडर 1 टेबल स्पून करीब डाल देंगे। ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही हमें पीली सरसों का मैंने पाउडर बना दिया, तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। और हम 1 टुकड़ा अदरक का कूट के लेंगे, ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो डालें, आप ना चाहें तो ना डालें। इस अदरक को भी अच्छे से भूनेंगे। अब इस मसाले में से अच्छे से भुनने की खुशबू आ रही है, तो अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक क्योंकि अभी हम अचार का मसाला भी यूज़ करेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्ची, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हम मसाला मिलाएंगे तो उसका भी तीखापन और नमक रहेगा। और अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि इस गर्म में हमारे मसाले जो मिक्स हो जाएंगे इनको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इस सिके हुए मसाले में ही हम अपनी जो स्टफिंग का मसाला हमने तैयार किया सेक करके इसको मिला देंगे। ये देखिए मसाला जो है हमने इसमें मिला दिया है, लेकिन अभी देखिए काफ़ी ड्राई सा लग रहा है ये मसाला। इसमें हमें मॉइस्चर की आवश्यकता रहेगी, तो इसमें हम कोई सा भी घर का जो है अचार, किसी भी टेस्ट का, नींबू का हो, चरका, आम का हो, मिर्ची का हो, जो भी मसाला हो आपके पास या अचार हो उसका यूज़ करेंगे। मेरे पास आम का अचार और मिर्ची के अचार का थोड़ा थोड़ा मिक्स पड़ा था, तो उसका मैं मसाला ले रही हूँ। देखिए उसका जो है तेल भी यूज़ करूँगी, इससे जो है प्रॉपर खट्टापन भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है इस टाइम जो है ऑफ सीजन होता है तो अचार लगभग ख़त्म होने वाले होते हैं, बचे हुए मसाले होते हैं, क्योंकि अचार का नया सीजन आने वाला है। तो ये अच्छा उपयोग है, उस बीच में होली आती है तो होली पे चटपटा खाने की इच्छा होती है, तो इस अचार के मसाले का और इस बचे हुए अचार का जो है इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए इस पूरे मसाले में हमने सौंफ वगैरह जो डाली है वो तो टेस्ट दे गई, उसके अलावा पूरा खट्टापन और ओरिजिनल जो है अचार का टेस्ट इसमें आने वाला है। बेसन जो है इस मसाले को बाइंड करने का काम करता है, तो बस इससे ज़्यादा हम मसाला डाल करके इसको गीला नहीं करेंगे। काफ़ी अच्छी पिट्ठी सी तैयार हो गई हमारी, तो अब स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसके लिए हम डो तैयार करेंगे। तो ये 2 कप हमने छना हुआ गेहूं का आटा ले लिया है, आप चाहें तो मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको अच्छी लगती है और हमेशा अवेलेबल रहता है आटा और हेल्दी भी रहता है,
तो इसलिए हम इसको आटे में बना रहे हैं और बहुत टेस्टी लगती है। तो ये 2 कप मैंने छना हुआ गेहूं का आटा लिया है। 2 कप में मैं 1 कप सूजी डाल रही हूँ, बारीक सूजी ले लें या फिर आप मोटा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल रेडीमेड आटा रहता है पैकेट वाला तो वो बारीक ही होता है, तो इसलिए हम बारीक सूजी यूज़ करेंगे। और अगर सूजी भी आपके पास बारीक नहीं हो तो हल्की से आप इसको मिक्सी में चला लेंगे तो थोड़ी बारीक हो जाएगी। इसमें हम 1/4 टीस्पून जितनी अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, मछली में बहुत ज़्यादा नमक की आवश्यकता नहीं होती है तो ध्यान से नमक डालेंगे। और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने अजवाइन नमक वगैरह सबको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, तो 6 टेबल स्पून मोइन के लिए तेल डालेंगे। आटे की जो मछली होती है वो काफ़ी खस्ता बनती है और इसको हम खूब अच्छे से रब करके अगर मोइन देते हैं तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है ये। और देखिए इस तरीके से मुट्ठी बांध रहे, अच्छा तेज मोयन है इसमें। और अब हम नॉर्मल पानी से इसका डो लगाएंगे और बिल्कुल पूड़ी जैसा सख्त आटा लगाएंगे हम। तो 3/4 कप पानी ले लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए हम बिल्कुल सख्त डो लगा के तैयार करेंगे। तो हमारा जो है पूड़ी जैसा सख्त आटा लग करके तैयार है। 3/4 कप में से 1 टीस्पून पानी बच गया है और कम पानी का यूज़ करते हुए हमें लगाना है, क्योंकि इसमें मोयन जो है काफ़ी तेज़ है। ढीला आटा हम अगर लगा देंगे तो फिर मटरी बनने में दिक्कत आएगी, स्टफिंग को होल्ड करने में दिक्कत आएगी और काफ़ी ऑयली ऑयली हमारी मटरी हो जाएगी। तो बस टाइट आटा लगा दिया और अब इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट सेट होने देंगे, क्योंकि सूजी है तो सूजी थोड़ा सा फूल करके सेट होगी। 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मथ लेते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी पसंद हो मटरी वैसी आप बना सकते हैं, पर मैं छोटी साइज़ की, ताकि सर्व करने में भी ठीक रहती है और खाने में भी चाय के साथ अच्छी लगती है। आप मीडियम साइज़ की भी बना सकते हैं, तो मैं छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेती हूँ। तो अब इस लोई से पूड़ी बेलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है पूड़ी को, ठीक ठीक मोटी बेलनी है। अब इसमें हम अपनी जो स्टफिंग है उसको रखेंगे और इसको हाथ में उठाएंगे इस तरीके से, और सभी किनारों को इस तरीके से दबाते हुए इसको बंद करेंगे। फिर गोल गोल करके इसको दबाएंगे हाथ से और हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना क्योंकि हमें इसको थोड़ा मोटा ही रखना बस। और फिर आप चाहें तो इस पे साइड में फोक से डिज़ाइन बना सकते हैं या फ्लावर की तरह इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से, और फिर अब इसको हम गोद देंगे आर पार, जैसे दोनों तरफ से हम इसमें इस तरीके से होल करेंगे तो ये फूलेगी नहीं और अच्छे से खस्ता बनेगी। ये देखिए दोनों तरफ से मैंने गोद दिया और इसी तरीके से हम और कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो मैं अपनी सारी मटरी बना लेती हूँ इसे। इस तरीके से हम अपनी सारी मछलियाँ बना लेंगे और एक बार में जितनी फ्राई कर पाएंगे उतनी करेंगे। बहुत ज़्यादा देर हम इसको बना करके खुला नहीं छोड़ेंगे, कपड़े से ढक देंगे क्योंकि सूजी है तो वापस ड्राई होने लगती है। तो थोड़ी थोड़ी बनाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा मीडियम गर्म है, मीडियम गर्म तेल में हम इनको फ्राई करेंगे। तो एक बार में जितनी आएगी कढ़ाई में उतनी डालेंगे और इनको धीमी धीमी आँच पर होने देंगे और इनको उलट पलट करते हुए हम इसको अच्छे से गोल्डन कलर की करेंगे। तो ये अच्छे गोल्डन कलर की हो गई है और अब हम इसको अच्छे से जरा करके निकाल लेंगे। देखिए कितनी फूलती है, इसलिए हमें पतली और छोटी साइज़ में बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली कर देंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटी कर देंगे तो खाने में हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगेगी। तो इस साइज़ की ठीक है, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, ठंडी कर लेती हूँ।
देखिए दोस्तों, हमारी अचारी मटरी बनकर के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। एक मटरी मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, एकदम से क्रंची। तो इस तरीके से इस अचारी मटरी को एक बार बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।